नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां पे हम बात कर रहे हैं एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन के काम में इस्तेमाल होने वाला सबसे बेहतरीन प्रोग्राम विलकम 2006 के बारे में। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंदर हम सीखने वाले इसके सारे टूल्स, इफेक्ट्स, ऑप्शन, प्रॉपर्टीज किस तरह से काम करते हैं, और हमारी डिजाइनों के अंदर जो हमारे पास सैंपल अवेलेबल है उसके अंदर इसका इस्तेमाल करके हम नई डिजाइन को कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम बारी बारी करके सीखने वाले हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम को हमने ऑनलाइन के द्वारा वीडियो के माध्यम से सिखाने की शुरुआत की है। उसके 45 वीडियो हमने हमारे YouTube चैनल के ऊपर रख दिए हैं। उन सारे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, जो आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम को हमने तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहला हिस्सा है ड्रॉइंग का, दूसरा हिस्सा है पंचिंग का, और तीसरा हिस्सा है अरेंज का। ड्रॉइंग का हमने ज्यादातर हिस्सा 45 वीडियो के अंदर कवर करके रख दिया हुआ है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पंचिंग के ऑप्शन के बारे में, पंचिंग का ऑप्शन कैसे काम करता है और हमें हमारी डिजाइनों के अंदर स्पीड से पंचिंग करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, उन सारी चीजों के बारे में हम बारी बारी करके सीखने वाले। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पंचिंग टूल के अंदर सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है उन कीज की जो हमें पंचिंग के अंदर इस्तेमाल करनी है। ऐसी 10 कीज है जो आपको कंपलसरी याद होनी ही चाहिए, तो ही आप अपनी डिजाइन को बेहतर तरीके से और ज्यादा आसानी से और स्पीड में बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा होम बटन की। अगर आप कोई भी डिजाइन का पंचिंग करने की शुरुआत करते हैं तो उसके अंदर होम बटन का यूज आपको कंपलसरी करना ही पड़ता है, क्योंकि होम बटन को यूज करने से आपकी डिजाइन जहां से शुरू होनी है वो होम बटन प्रेस करने से आपका मशीन जो होता है वो वहां पे चला जाता है, यानी कि वहीं से ही आपको शुरुआत करनी होती है। डिजाइन की पंचिंग की शुरुआत जब भी आप करते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी पंचिंग करने की शुरुआत करें तो आपकी डिजाइन की शुरुआत राइट साइड के कॉर्नर से ही होनी चाहिए। राइट साइड से कॉर्नर से ही डिजाइन की पंचिंग की शुरुआत करनी है। उसके बाद आप जहां पर भी चाहे, या ऊपर की साइड में, या लेफ्ट साइड में, या राइट साइड में, कहीं पर भी आप पंचिंग कर सकते हो, लेकिन शुरुआत आपको जो करनी है वो राइट साइड के कॉर्नर से ही करनी है। तो होम बटन प्रेस करने से आपका जो मशीन होता है वो होम पेज पे चला जाता है, वहां से ही आपको डिजाइन पंचिंग करने की शुरुआत करनी। होम बटन के बाद दूसरा ऑप्शन आता है एंड पॉइंट का। जैसे ही हमने होम बटन प्रेस करके हमारी डिजाइन को नीचे ले लिया है, यानी जहां से शुरुआत करनी है वहां ले लिया है, उसके बाद एंड बटन को प्रेस करने से आपका मशीन जो है वो डिजाइन पूरी ट्रैवल करके वापस वही पोजीशन पे आता है जहां पे होम बटन प्रेस करने से हमारा मशीन आ जाता है। उन सारी चीज के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा वीडियो के अंदर। अभी मैं जो आपको ये कीज के बारे में बता रहा हूँ, वो कीज को आपको एक कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है, ताकि आपको ये आसानी से याद रहे। जब भी आप प्रैक्टिस करने के लिए पीसी के ऊपर बैठते हो तो आपको ये कॉपी आपके सामने रहनी चाहिए, जिसकी मदद से आप पंचिंग के अंदर कोई भी गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास कॉपी पहले से ही है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरे ऑप्शन के अंदर दोस्तों हमें कंपलसरी ये जो कीज मैं आपको बता रहा हूँ वो कंपलसरी आपको अपनी उंगलियों के ऊपर सेट करना ही करना है, क्योंकि पंचिंग के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है यही कीज का। वो कीज है Ctrl+X+V। Ctrl+X+V का इस्तेमाल करने के लिए आपको Ctrl+X की मदद से डिजाइन जो भी सिलेक्ट आपने की होगी वो कट हो जाएगी, और V प्रेस करने से आपकी वही डिजाइन जहां पे आपको रखना है वहां पे एक मशीन को ले जाके आप वहां पे V प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपकी डिजाइन पेस्ट हो जाएगी। यानी Ctrl+X+V का आपकी डिजाइन के अंदर बहुत ही जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपको Ctrl+X+V नाम की जो की है वो भी नोट डाउन करके आपको उसका प्रैक्टिस करना कंपलसरी होता है। उसके बाद पंचिंग करने के लिए आपको एक बी नाम की कीज का भी यूज करना होता है। बी नाम की कीज को यूज करने के लिए आपको बी प्रेस करते ही एक ऐसे पार्ट के ऊपर मशीन को ले जाना है जहां पे आप कोई भी पर्टिकुलर पार्ट को जूम करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे बी नाम की कीज का भी यूज कर सकते हो। बी के बाद आता है सी। कीबोर्ड के अंदर सी प्रेस करने से आपका मशीन जहां पे होगा, जहां पर भी आपका मशीन होगा, सी प्रेस करने से वहां पे आपकी डिजाइन जूम हो जाएगी और वहां पे आपका मशीन बराबर पेज के सेंटर के अंदर आ जाता है। इसके लिए आपको सी बटन को भी याद रखना जरूरी होता है। उसके बाद आता है मशीन को ट्रैवल करने के लिए जो कीज का यूज इस्तेमाल होता है, उसके लिए आपको Shift+T और Ctrl+T। Shift+T की मदद से आपको डिजाइन चलाना है, डिजाइन के अंदर मशीन को ट्रैवल करना है,
और कंट्रोल टी की मदद से भी आपको मशीन ट्रैवल करना है। शिफ्ट टी और कंट्रोल टी की मदद से आप मशीन को आगे और पीछे, जहां पर भी आपने पंचिंग करना है वहां पे मशीन को आगे और पीछे ले जा सकते हो। अगला ऑप्शन है शिफ्ट एन। शिफ्ट एन को यूज करने से आपका रन नाम का जो टूल है वो सिलेक्ट होगा। रन की शॉर्टकट की शिफ्ट एन है। शिफ्ट एन को पंचिंग करते समय बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल करना होता है। जब भी कोई ऐसी डिजाइन आती है जिसके अंदर आपको रन देके पंचिंग करना होता है, वैसी डिजाइनों के अंदर आपको शिफ्ट एन नाम का जो ये टूल बना हुआ है, ये हमारी शॉर्टकट कीज बनी हुई है, उसका इस्तेमाल करना जरूरी होता है। उसके बाद एक की है जो आपको ज्यादातर चेन की डिजाइन और कोडिंग की डिजाइन के अंदर इस्तेमाल होगी, वो है अल्टर जी आर। अल्टर जी आर का इस्तेमाल करने से आप कोई भी डिजाइन जिस दिशा में बनी हुई होती है उस दिशा को उल्टी दिशा के अंदर बनाने के लिए आपको अल्टर जी आर का इस्तेमाल होता है। समझ लीजिए कोई भी राउंड बना हुआ है, वो राउंड लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाता है, तो अल्टर जी आर की मदद से आपको राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक वो राउंड घुमाने के लिए अल्टर जी आर का इस्तेमाल होता है। इन सभी कीज को यूज करने के बाद आपको अपनी डिजाइन के अंदर पंचिंग कितना हुआ है या नहीं हुआ है वो जानने के लिए आपको शिफ्ट सी का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। शिफ्ट सी का इस्तेमाल करने से एक लाइन आ जाती है जो लाइन कनेक्टर के लिए इस्तेमाल होती है। शिफ्ट सी का इस्तेमाल करने से कनेक्टर डिजाइन के अंदर शुरू और बंद होता है, जिसकी मदद से हम हमारी डिजाइनों के अंदर पंचिंग बना है या नहीं बना है उसके बारे में जान सकते हैं। पंचिंग के लिए दोस्तों ये 10 की बहुत ही जरूरी होती है। आप इसको एक कॉपी के अंदर नोट डाउन करिए और सारी कीज जितनी भी मैंने ड्रॉइंग टूल के अंदर या पंचिंग टूल के अंदर आपको बताई है वो सारी कीज जो है वो आप एक कॉपी के अंदर नोट डाउन करिए, और जब भी आप कंप्यूटर के ऊपर बैठते हो प्रैक्टिस करने के लिए तो वो सारी जो कीज है वो आपके सामने ही रखिए, ताकि आपको डिजाइन बनाने में आसानी रहेगी और आप अपनी डिजाइन को बेहतर तरीके से बना सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। ये जो मैंने शॉर्टकट कीज आपको बताई है उन सारी शॉर्टकट कीज की कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले के ऊपर मैं आपको यूज करके बताऊंगा कि ये सारी कीज जो है वो किस तरह से काम करती है, और पंचिंग के अंदर और भी कीज जो जरूरी होती है उसके बारे में भी डिटेल से आपको डिस्प्ले के ऊपर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब के बाजू में दिए गए बेल आइकन को हिट करना कभी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही वेलकम 2006 के बारे में जो भी वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।